अल्लाह ताला ने लड़की दिया या लड़का, हमें उसका इस्तकबाल करना चाहिए। एक आयत सुना के आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी बात कही है कि हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हो। और आगे कहा वो आसा अन तुहिब्बु शैयन, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो, वह हुआ शर्रुल लकुम, वो तुम्हारे लिए बहुत बुरी हो। वल्लाहु यालमु, अल्लाह जानता है, वह अंतुम ला तालमुन, तुम्हें नहीं पता। यानी अगर हमें अल्लाह ताला बेटा दे रहा है तो क्या वो हमारे हक में बेहतर है? हमें नहीं पता। बेटी दे रहा है वो हमारे हक में बेहतर है? नहीं पता। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटियां बेटों से ज्यादा हमारे हक में मुफीद होती हैं, और जब बेटियां होती हैं तो हमें उसका अंदाजा नहीं होता। बहुत सारी फैमिली में आप देख लीजिए जिसको अल्लाह ताला ने बेटे भी दिए हैं और बेटियां भी दी है, बेटों ने लात मार के भगा दिया उसको, उसका कोई ख्याल नहीं रखा। बीमार हुआ, परेशान हुआ, बुजुर्ग हो गया, ज़ईफ हो गया, कोई ख्याल नहीं, सब शादी करके मगन है। कौन देखभाल कर रही है? बूढ़े आदमी की बेटी। ये बहुत सारी फैमिली में आप देखेंगे कि बेटियां आखिरी वक्त में अपने बाप की सेवा कर रही हैं, खिदमत कर रही हैं, बेटे ऐश कर रहे हैं। होता कि नहीं हमारे मुआशरे में? तो बताओ कौन हमारे लिए ज्यादा मुफीद साबित हुआ? हमने जिंदगी भर अपनी जो पूरी जवानी थी, अपनी जो पूरी जो हमारी जो जफाकशी थी, हमने मेहनत से पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया बच्चों को, और बच्चियों पर भी हमने मेहनत की, लेकिन आखिरी वक्त में हमारे काम कौन आया? बच्चियां काम आ रही, और ये लड़की तो ऐश कर रहे हैं, इनको कोई फिक्र ही नहीं हमारी। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐसा अंत तक रहो शैयन, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करते हो लेकिन तुम्हारे लिए भलाई उसी में हो, वही तुम्हारे लिए ज्यादा मुफीद हो, और जिसे तुम पसंद करते हो ना, हो सकता है वो तुम्हारे लिए फितना हो जाए, तुम्हारे लिए बुरी चीज हो जाए। मैंने कितने लोगों को अपने बच्चों पे अफसोस करते हुए सुना है कि ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर है। हा? कितने बाप को ये कहते हुए सुनने में आता है कि उनके बेटे इतना जुल्म करते हैं कि वो कहते हैं कि ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर है, ऐसे बेटे से जो है बगैर बेटे का होना बेहतर है। तो ये बाद में, शुरू में आदमी जवान है, बेटा बेटा किए रहता है, बूढ़ा होता है तब उसे समझ में आता है कि बेटा हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, बेटी हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। बेटे तो शादी करके अपनी बीवी के पता नहीं कहां कहां ऐश कर, और वो बेचारी बेटी जो है वो अपने बाप से हमेशा जुड़ी। देखिए आज भी जब देखें माशरे में, एक बेटी शादी करके अपने शौहर के पास चली जाती है, लेकिन वहां से अपने बाप से बराबर ताल्लुक बनाए रखती है। कोई भी आदमी जिसको बेटियां अल्लाह ने दी है, उसने अपनी बेटियों की शादी कर दी है, जरा बताए कि कोई साल गुजरता है कि बात ना, कोई महीना गुजरता है कि बेटी का फोन ना आए, बात ना करे अपने बाप से? हमें कितने लोग हैं जो शादीशुदा बेटियों के बाप हैं, वो जरा अपनी गिरेबान में खुद मतलब अपने आप से पूछें कि क्या हमारी बेटियां हमसे बात करती कि नहीं करती, लेकिन क्या उनके बेटे भी बात करते हैं हर महीना? उतना फोन उनका आता, उनके बेटों का आता है जितना उनकी बेटियों का आता है? उतनी मोहब्बत जितनी मोहब्बत उनकी बेटियों से उनको मिल रही है, क्या बेटों से उनको मिल रही है? मिलती होगी, हमें इनकार नहीं करते, किसी किसी को दोनों से मिलती होगी बराबर, लेकिन आमतौर से देखने में तो ये आता है कि बहुत सारे लोगों के लिए लड़कों से ज्यादा लड़कियां मुफीद साबित होती हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ताला लड़का दे रहा है या लड़की दे रहा है, हम ना फैसला करें कि हमारे साथ गलत हो गया। हो सकता है अल्लाह ताला ने हमको लड़की दी है ना, अल्लाह ताला ने हमको लड़कियां दी है, हो सकता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक अच्छा फैसला किया है, क्योंकि अल्लाह ताला कल क्या होगा वो भी जानता है। अगर अल्लाह ताला लड़के दे देता तो ये लड़के हमारे साथ बुरा कर सकते थे, मुस्तकबिल अल्लाह ताला जानता है, इसलिए अल्लाह ताला ने नहीं दिया लड़के। तो हमें अच्छा गुमान करना चाहिए कि अगर अल्लाह ने हमको लड़के नहीं दिए तो अल्लाह ने हमारे लिए इसी में भलाई रखी। सूरह कहफ का वाकया मालूम है ना, हज़रत इस्लाम जा रहे थे तो रास्ते में एक लड़का मिला, मार डाला उसको, लड़के को मार डाला, मार दिया कि नहीं मार दिया? लड़के को जान से मार दिया ना। बाद में उन्होंने इसका राज खोलता कि ये बड़ा होके ऐसा करता, ये बड़ा होके ऐसा करता, उनको तो नहीं पता था, नहीं तो अल्लाह ताला ने बताया था ना। तो देखिए आगे चल के लड़का क्या करने वाला है हम और आपको नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला को पता है। तो हमारे हक में लड़का बेहतर है या लड़की बेहतर है ये अल्लाह ज्यादा जानता है, इसलिए हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हमारी भलाई इसी में, हमारी बेहतरी इसी में, वरना कितने लोग ऐसे हैं जो बाद में अपने ही बेटों पर लान तान करते हैं।